नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। देश के 46वें चीफ जस्टिस के तौर पर बुधवार को सुबह जस्टिस रंजन गोगोई ने कार्यभार संभाला। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। लेकिन आज हम आपको गोगोई के यहाँ तक पहुँचने की रोमांचक कहानी बताने जा रहे हैं। बता दें कि बचपन में जब रंजन और उनके बड़े भाई स्कूल जाने लायक हुए तो उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री केशव चंद्र गोगोई ने उन्हें कहा था कि उनमें से कोई एक गोलपारा के सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर सकता है। कौन सैनिक स्कूल में जाएगा, इसके लिए टॉस हुआ और रंजन के बड़े भाई अंजन टॉस जीतकर सैनिक स्कूल चले गए। वहीं दूसरी ओर रंजन को डिब्रूगढ़ में डॉन बॉस्को स्कूल भेजा गया। वहां से वो आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज गए और वहां और इतिहास की पढ़ाई की। कॉलेज खत्म करने के बाद रंजन एक बार फिर पिता की इच्छा के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा में बैठे। अंजन ने बताया कि रंजन ने यूपीएससी क्लियर कर लिया, लेकिन उन्होंने पापा को बता दिया उन्हें कानून में रुचि है। बता दें कि गोगोई नॉर्थ ईस्ट से पहले सीजेआई है। पांच भाई बहनों में दूसरे नंबर के गोगोई ने 1978 में गुवाहाटी हाईकोर्ट से वकालत शुरू की थी। 2001 में उन्हें परमानेंट जज नियुक्त किया गया। इसके 10 साल बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। फिर 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। एक अंग्रेजी समाचार पत्र से बातचीत के दौरान अंजन ने बताया कि आप कभी भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। मेरा भाई हमेशा सही रास्ते पर चला। उसने बचपन में कभी खेल में भी कोई बेईमानी नहीं की और अगर मैं कभी बेईमानी करता तो वो मुझे चैलेंज करता और नियम न तोड़ने के लिए कहता था। धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज।